Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the antiviral drugs. These are the basic antiviral drugs in which we will study. First of all, we will study about the viral infections. Viral infections like encephalitis, meningitis, common cold, gingivo, osteomyelitis, pharyngitis, cardiovascular disorder, hepatitis, skin infection, STD, pancreatitis, gastroenteritis, myelitis, pneumonia, eye infection, parotiditis. All these infections are caused by the virus. These are the different kind of viral infection found in human body, and there are lot of drugs used to treat all these types of infections. Actually, different kind of viruses cause these different kinds of infections, like encephalitis and meningitis caused by the JC virus, measles, LCM virus, RVO virus, rabies, common cold by the rhinoviruses, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, RSV, respiratory syncytial virus. ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि आगे मैं सब जगह इसका शॉर्ट फॉर्म ही इसका बोलूँगी. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस को अपन RSV कहते हैं. जिंजिवो ऑस्टोमेटाइटिस कॉज्ड बाय द हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस, जिसको अपन HSV पढ़ेंगे आगे सब जगह शॉर्ट में. नेक्स्ट है फेरेंजाइटिस कॉज्ड बाय द एडिनो वायरस, एब्स्टेन बार्स वायरस दैट इज EB वायरस, एंड साइटोमिगैलो वायरस. कार्डियोवेस्कुलर डिजीज आर कॉज्ड बाय द कॉक्सैकी बी वायरस. हिपेटाइटिस बाय द हिपेटाइटिस वायरस, found in 5 forms A, B, C, D and E. Skin infections caused by the varicella zoster virus, human herpes virus 6, smallpox, molluscum contagiosum, human papilloma virus, parvo B19 virus, rubella, measles, coxsackie virus, STD caused by the herpes simplex 2 virus, human papilloma virus HPV, and HIV, human immunodeficiency virus. Pancreatitis caused by the Coxsackie virus, gastroenteritis caused by the adenovirus, rotavirus, norovirus, astrovirus and coronavirus, myelitis, poliovirus and HTLV first, pneumonia caused by the influenza virus type A and B, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, adenovirus, SARS, coronavirus. ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप, सॉर्स कोरोना वायरस जो अभी जिसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, पैंडेमिक बना पड़ा है सब जगह पे, देखने में मिल रही कंडीशन. पैराटाइटिस कॉज्ड बाय द मम्स वायरस, आई इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, एडिनो वायरस एंड साइटो मिगैलो वायरस. नाउ अंडरस्टैंडिंग वायरसेस, दे आर डिफरेंट फ्राम अदर माइक्रोब्स. भाई हमने अभी तक जो ड्रग्स पढ़ी थी वो एंटीबायोटिक पढ़ी थी, एंटीबायोटिक के अंदर ही सब तरह की एंटी बैक्टीरियल आ रही थी, तो हमें एंटी वायरस अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब शायद वायरस दूसरे माइक्रोब से अलग होते हैं. तो क्यों होते हैं भाई ये दूसरे माइक्रोब से अलग? तो वायरस जो होते हैं वो कभी भी खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाते. ये ह्यूमन सेल में चिपकते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, फिर ह्यूमन सेल की मशीनरी को यूज़ करके या किसी भी लिविंग सेल की मशीनरी को यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं. हॉस्ट सेल की एनर्जी को यूज़ करते हैं वो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस करने के लिए. वायरसेस को किल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये केवल सेल के अंदर ही जीवित रहते हैं, सेल के बाहर तो खुद ही मरे हुए रहते हैं. तो कोई भी ड्रग जो वायरस को किल करती है वो उस सेल को भी किल कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है ना. एंटीवायरल्स वो ड्रग्स हैं जो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए अवेलेबल हैं. वायरसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं आजकल जो एंटीवायरल थेरेपी चल रही है उसके द्वारा, जैसे CMV, हिपेटाइटिस वायरस, हर्पिस वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको अपन फ्लू भी कहते हैं, और RSV रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरसेस, इनके लिए हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं. अब एंटीवायरल ड्रग्स, वायरस खुद के पास उसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, ये केवल न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट का बना होता है जिसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है. वायरस में एनवलप होता है, जो प्रोटीन कवरिंग हम बोल रहे हैं ना वो एनवलप होता है, जो कैसा होता है, एंटीजेनिक नेचर का होता है, मतलब हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा. वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो केवल सेल के अंदर ही जिंदा रहते हैं, ऐसे पैरासाइट हैं.
ये खुद की इनकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी होती नहीं है, ये तो होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हैं, होस्ट के एंजाइम्स का यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ वायरसेस साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करते हैं जबकि कुछ न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई करते हैं। अधिकतर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डायग्नोस से पहले ही हो चुका होता है। हम डायग्नोस करें उससे पहले तो वायरस मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं। अब एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं, बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स प्यूरीन या पैरामिडिन एनालॉग्स होती हैं, बहुत सारी प्रोड्रग्स होती हैं। तो हमारे को वायरल या सेलुलर एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए फॉस्फोराइलेटेड करना उनको ज़रूरी होता है। कुछ एक्टिव रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती है वायरस के, जिससे कि वायरस की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, और अगर ड्रग निकल जाए तो वापस रिज्यूम हो जाती है। अब एंटीवायरल्स एक्ट कैसे करते हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखिए। ये एंटीवायरल्स वायरस से इन्फेक्ट होने वाली सेल के अंदर घुसने में एबल होते हैं, वायरस के न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को, उसके रेगुलेशन को इंटरफेयर करते हैं। कुछ ड्रग्स वायरस की एबिलिटी में इंटरफेयर करती है, जैसे कि वायरस में एबिलिटी की वो सेल से चिपक सकती है, बाइंड हो सकती है, तो ये बाइंड नहीं होने देंगी। कुछ ड्रग्स बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। एंटीवायरल ड्रग्स का बेस्ट रिस्पॉन्स जो है उन पेशेंट्स में दिखाई देता है जिनमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हेल्दी इम्यून सिस्टम जो है वो सिनर्जिस्टिकली वर्क करता है ड्रग के साथ में, मतलब ड्रग और इम्यून सिस्टम जब साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं ज़्यादा अच्छा असर दिखाई देता है वायरल की एक्टिविटी को ख़त्म करने या सप्रेस करने के लिए। एंटीवायरल मेडिकेशंस के अंदर पहला एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम में आ रही होती हैं। HIV के अलावा, HIV इनसे नहीं ट्रीट होता, HIV के लिए अपन एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स काम मिलते हैं। एंटीवायरल HIV के अलावा जितने वायरस के इन्फेक्शन हैं उनके लिए काम आती है। एंटी रिट्रोवायरल्स HIV जो कि एड्स कॉज करता है उसको ट्रीट करने काम आती है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरसेस में HSV-1 और 2, HSV-1 ओरल हर्पिस और 2 जो है वो जेनिटल हर्पिस कहलाता है, और वेरिसिला जॉस्टर वायरस चिकन पॉक्स शंजल्स वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। ये वायरस की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, फिर ये जेनेटिक मटेरियल जो कि RNA और प्रोटीन साथ में मिलकर इसको अपन एक साथ न्यूक्लियो प्रोटीन कह देते हैं। लिपिड का एनवलप है, कैप्सिड पाया जा रहा है जो प्रोटीन की कवरिंग है, हीम एग्लूटिनिन है, न्यूरोअमिनिडेज एंजाइम है, इन्फ्लुएंजा वायरस की ये एनाटॉमी दिखाई गई है डायग्राम में। अब नॉन रिट्रोवायरल ड्रग्स, क्योंकि हमने कहा रिट्रोवायरल अलग है, इसका मतलब रिट्रोवायरल के अलावा जो ड्रग है वो नॉन रिट्रोवायरल ड्रग्स है। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देती हैं। ये नॉन HIV वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम में आती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के लिए, वेरिसेला जॉस्टर वायरस और साइटोमिगैलो वायरस के लिए काम आती हैं। हिपेटाइटिस A, B और C के लिए हम इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। इनके जो एडवर्स रिएक्शन है वो हर एक ड्रग के अलग अलग होंगे। हेल्दी सेल्स भी इन ड्रग्स की वजह से किल हो जाती हैं, इसका मतलब ये ड्रग्स हमारे अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। करंट एंटीवायरल एजेंट्स जो हैं वो नॉन रेप्लिकेटिंग को एलिमिनेट नहीं करते या लेटेंट वायरस को एलिमिनेट नहीं करते, केवल रेप्लिकेंट जो होते हैं या रेप्लिकेटिंग वायरस होते हैं उन्हीं को एलिमिनेट करते हैं। इफ़ेक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एसेंशियल है अगर हम वायरल इन्फेक्शन से रिकवरी करना चाहते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि हमने ड्रग दे दी और पर्सन ठीक हो गया, नहीं, पर्सन को ठीक होने के लिए उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनिकल एफिकेसी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, जहाँ पर जिस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है इन्फेक्टेड सेल के अंदर, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा क्लिनिकली एफिकेसी और वायरल ड्रग कितनी एफिशिएंट है। अब वायरल रेप्लिकेशन भाई, तो वायरल रेप्लिकेशन की स्टेजेस तो आपको पता होना चाहिए। वायरल रेप्लिकेशन के अंदर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले वायरल सेल के अंदर एंटर करता है। एंटर वो या तो अटैचमेंट अटैच होकर के करेगा या पेनिट्रेट, सबसे पहले अटैच होगा फिर पेनिट्रेट हो जाएगा। पेनिट्रेट जब हो रहा होगा तो वो अनकोटिंग कर देता है, मतलब अपने वायरस के
कैप्सिड को बाहर छोड़ देता है, केवल जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसेगा। फिर ये जेनेटिक मटेरियल जो वायरल का है वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा या रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर वो प्रोटीन बनेगा यानी ट्रांसलेशन होगा। फिर ये सारी चीज़ें आपस में मिलेगी, सारी चीज़ें मतलब वो जीनोम और उसका कवर जिसको अपन वीरियोन कहते हैं एक साथ मिलाकर, तो वीरियोन की असेंबली होती है। मतलब अब पूरे तरह से वायरस बन गया, वायरस बनने के बाद रिलीज़ हो जाता है। ये डायग्राम वायरल का एडजॉर्प्शन हुआ, पहले वो चिपका, फिर अंदर घुसा, फिर उसने अनकोटिंग करी, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस किया, फिर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस हुआ, फिर और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग हुई, फिर फाइनली वो आपस में सब जुड़ गए, जीनोम और प्रोटीन जिसको अपन पैकेजिंग और असेंबली कहते हैं, और फिर फाइनली वो सेल से बाहर निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो सारी स्टेज है वो हमने क्यों पढ़ी है, क्योंकि जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे वो इसकी अलग अलग स्टेप जो हमने बोले हैं वहाँ पर एक्ट करती है। जैसे कि एनफ्योविरिडी HIV में गामा ग्लोबुलिंस, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये एडजॉर्प्शन और पेनिट्रेशन दोनों को ब्लॉक करती है। एमेंटाडाइन इन्फ्लुएंजा ए में ब्लॉकेड, इन्फ्लुएंजा ए की अनकोटिंग को ब्लॉक कर देगी। फॉर्मीवर्सन CMV को ब्लॉक कर देती है अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। प्यूरिन पैरामिडिन एनालॉग जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनने देते हैं। मैथिसाजोन वेरियोला वायरस प्रोटीएज इनहिबिटर है, यानी ये एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। रिफैम्पिन वैक्सीनिया ब्लॉकेज कर देता है असेंबली और पैकेजिंग को। और फाइनली जो वायरस रिलीज हो रहा होता है वो भी अगर ब्लॉक्ड हो गया न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर के द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस में ऐसा देखा जाता है, तो वायरस आगे नहीं बढ़ेगा। अब एंटीवायरल ड्रग्स में सबसे पहली है एंटी हर्पिस वायरस एजेंट्स में एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर जिसको अपन कहते हैं, दूसरी फैमसीक्लोविर या पेनिसिक्लोविर, नेक्स्ट जेंसिक्लोविर, काइडोफोविर, फॉस्कार्नेट, ट्राइफ्लोरिडिन और जिसके दूसरे नाम्स भी हैं, ए साइक्लोविर और कॉन्जिनर्स जिसको अपने आजकल वेल साइक्लोविर जो इसकी प्रो ड्रग है ए साइक्लोविर की ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी देती है। पेनसाइक्लोविर में हाइड्रोलाइज हो जाती है और इसकी भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेनसाइक्लोविर को हम केवल टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं जबकि फेनसाइक्लोविर को ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। अब फार्मेकोलॉजी का ए साइक्लोविर और उसके कंजेनर्स यानी उससे जुड़ी हुई ड्रग्स की, तो इन सब का नाम अपन ने लिया, ये सब के सब जो हैं वो गुआनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती हैं। ये सारी ड्रग्स जो नाम लिखे हुए हैं ये गुआनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी ड्रग्स फॉस्फोरिलेट होती है वाल थायमिडिन काइनेज के द्वारा, फिर हॉस सेल काइनेज से मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग में, और वायरल डीएनए पॉलीमरेज को ये इनहिबिट कर देते हैं ये जो एनालॉग है। केवल एक्टिवली रेप्लिकेटिंग वायरस का ही ये इनहिबिशन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी वायरस पर ये कोई असर नहीं डालेंगे। ए साइक्लोविर इसलिए हम सेलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवेटेड इन सेल्स इन्फेक्टेड विद हर्पिस वायरस, वही उन्हीं में एक्टिवेट होगी उन सेल्स के अंदर भी जिन पर हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि केवल एक्टिव हर्पिस वायरस पर एक्ट कर रही है, बाकी तो एक्ट ही नहीं कर रही हैं। अनइन्फेक्टेड सेल के ऊपर ये फॉस्फोराइलेट ए साइक्लोविर होती ही नहीं है, फॉस्फोराइलेशन ही होगा मतलब ये असर नहीं दिखाएगी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो अभी अभी अपन लाइन्स बोली कि फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड से आकर के जुड़ रहा है नॉर्मल थायमिडिन काइनेज से, ये इस तरह से इसका एडिशन हो गया डीएनए पॉलीमरेज और इनकॉर्पोरेट हो गया ये डीएनए के अंदर, ये दिखाया गया, ये खुद से देख लीजिएगा जो लाइन हमने बोली है अभी तक वही इसके अंदर दी हुई है कैसे ये डीएनए वगैरह को ब्लॉक कर रहा है। अब एंटी वायरल स्पेक्ट्रम देखिए, ए साइक्लोविर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1-2 वेरिसोला जॉस्टर वायरस शैंजल सबके ऊपर अपना एक्शन दिखाती है। गैन साइक्लोविर और साइडोफोविर CMV पर, फैम साइक्लोविर हर्पिस जिनाइटैलिस और शिंजलस के ऊपर, फॉस्कार्नेट HSV VZV CMV HIV पर, पेन साइक्लोविर हर्पिस लेबियलिस के ऊपर, और ट्राइफ्लोरोडाइन हर्पेटिक किरेटो कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन में अपन दे सकते हैं। तो कौन कौन से वायरस के इन्फेक्शन में कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं वो स्पेक्ट्रम में बताया गया है। अब ए साइक्लोविर की फार्मेकोकाइनेटिक क्या है भाई, ये 20-30% ओरली लेने पर अवेलेबल हो जाती है सभी बॉडी टिश्यूज़, यहाँ तक कि CNS में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और 80% से भी ज़्यादा ये रीनल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। हाफ लाइफ इसकी 2-5 घंटे तक होती है, इसको टॉपिकली
ओरली और आईवी के थ्रू अपन दे सकते हैं पर्सन को। इसकी एडवर्स इफेक्ट ए साइक्लोविर और जेंसी साइक्लोविर का देखने को मिलता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है जिसमें यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स भी दिखाई देंगे आपको, यानी क्रिस्टल यूरिया हो जाता है, यूरिन में ब्लड भी दिखाई देता है, रीनल इनसफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा माइलोसप्रेशन कर देता है जिसमें न्यूट्रोफिल का नंबर और प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है गैन साइक्लोविर की वजह से। थेरापेटिक यूज़ क्या है भाई, ए साइक्लोविर ड्रग अपन HSV जिनेटल इन्फेक्शन में, HSV एन सिफिलाइटिस में दे सकते हैं, और HSV का इन्फेक्शन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसे पेशेंट में अगर HSV हुआ तब भी अपन ये ड्रग दे सकते हैं। ये तो है ए साइक्लोविर, जबकि जेन साइक्लोविर जो है वो अपन CMV रेटिनाइटिस किसी को हो गया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में बचाने के लिए, कि ये इन्फेक्शन नहीं हो तब भी अपन दे सकते हैं, या फिर अपन पेशेंट को CMV डिजीज़ से ट्रांसप्लांट जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर अपन बचाना चाह रहे हैं तो ये ड्रग दे सकते हैं। दूसरी है काइडोफोविर, ये CMV के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है, CMV रेटिनाइटिस अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हो गया है। ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है साइटोसिन का, इसका फॉस्फोराइलेशन के होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप में इफेक्टिव है, ये वायरल DNA सिंथेसिस को नहीं होने देती है, IV मौजूद है IV के फॉर्म में, इंट्रा विट्रियल इंजेक्शन के रूप में भी मौजूद है, और टॉपिकली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज करते हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अब विड्राबिन की फार्मेकोलॉजी सुनिए, ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है एडिनोसिन का, भाई सब अलग अलग है, कोई थायमेडिन का, कोई गुआनेसिन का, कोई साइटोसिन का, कोई एडिनोसिन का, सब अलग अलग न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं। इसका एंटीवायरल स्पेक्ट्रम क्या है, HSV-1, 2 और VZV के अगेंस्ट अच्छी है। HSV केरेटाइटिस के लिए लिमिटेड इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ लिमिटेड रहता है केवल HSV केरेटाइटिस के लिए। विड्राबिन जो है ये कन्वर्ट होती है ट्राईफॉस्फेट एनालॉग के अंदर, जो कि वायरल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, तो DNA पॉलीमराइज ही नहीं होगा यानी रेप्लिकेट नहीं हो रहा। ओरली ये 2% ही बायो अवेलेबल होती है, इसको ऑप्थेलमिक ऑइंटमेंट के रूप में भी अपन दे सकते हैं। HSV केराटो कंजंक्टिवाइटिस में अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें अपन ये दे सकते हैं। एनीमिया या सियाद इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। फार्मेकोलॉजी ट्राईफ्लोरिडिन की देखिए, ट्राईफ्लोरिडिन पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है और वायरल DNA सिंथेसिस को रोकता है। इसका स्पेक्ट्रम HSV-1, 2 और VZV वेरिसोला जॉस्टर वायरस, टॉपिकली और ओक्यूलर HSV केरेटाइटिस में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कार्नेट जो ड्रग है उसकी फार्मेकोलॉजी, ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है, इनडायरेक्ट ये डायरेक्टली वायरल DNA और RNA दोनों को इनहिबिट करता है, DNA और RNA पॉलीमरेज को और वायरल इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, इसको भी फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती है अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए। फॉस्कार्नेट HSV-1, 2 VZV CMV HIV सबके लिए इफेक्टिव है, ओरली 10-20% अवेलेबल है, सभी टिश्यूज CNS में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, IV अपन इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है फॉस्कार्नेट का, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिटी हो जाती है, नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है। अब हाइपोकैल्सीमिया और मैग्नीशियम यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि ये ड्रग को क्लिएट कर देती हैं डाइवेरेंट कैटाइन के द्वारा, इसलिए इसकी कमी हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिटी में सरदर्द होने लग जाएगा, हेल्यूसिनेशन हो जाता है, दौरे पड़ने लग जाते हैं। नेफ्रोटॉक्सिटी के अंदर ट्यूब्यूल्स में नेफ्रोसिस हो जाएगा और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने को मिलता है। थेरेपेटिकली ये ऑल्टरनेटिव ड्रग है HSV इन्फेक्शन के लिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो ए साइक्लोविर के लिए रेजिस्टेंट होते हैं उसके अंदर अपन फॉस्कार्नेट यूज़ कर सकते हैं, और CMV रेटिनाइटिस किसी को हुआ हो जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जेंसिक्लोवायरस रेजिस्टेंट होते हैं उनमें भी अपन ये दे सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा से होता है उसमें अपन एमेंटाडाइन, रायमेंटाडिन दे सकते हैं, ओसल्टामिविर और जैनामाविर दे सकते हैं।
ये न्यूरो अमिनिडेज इनहिबिटर होती है। आरएसवी ब्रोंकियोलाइटिस जो इन्फेक्शन है उसके अंदर राइबावरिन ड्रग दी जाती है। अब मेंटाडाइन और रामेंटाडाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए दी जाती है। इन्फ्लुएंजा ए के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों के काम आती है। ये वायरल की अनकोटिंग को रोकती है, मतलब वायरल अनकोट ही नहीं होगा तो अंदर पेंट्रेट ही नहीं करेगा क्योंकि वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन M2 को इनहिबिट कर देती है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस में अपन इसका यूज़ करते हैं, ये हम बार बार बोल चुके हैं। एमेंटाडाइन में एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट भी होता है, ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है, यानी पार्किंसोनिज्म में भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक 50-90% तक ये बायो अवेलेबल होगी अगर अपन इसको ओरली देते हैं, और ये BBB को भी क्रॉस करती है पर रामेंटाडाइन क्रॉस नहीं कर पाती। एमेंटाडाइन तो क्रॉस करती है BBB को, रामेंटाडाइन नहीं करती। ओरली अपन इसको ऑब्वियस से फिर देंगे। अब न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर इन्फ्लुएंजा के लिए काम में लेते हैं, कौन कौन से? ओसल्टामिविर और जैनामाविर। इन्फ्लुएंजा के अंदर न्यूरोअमिनिडेज एंजाइम होता है जो कि वायरस के रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और न्यूरोअमिनिडेज इनहिबिटर इसी एंजाइम को रोक देगा तो न्यू वन का रिलीज नहीं हो पाता और ये एक सेल से दूसरे सेल में स्प्रेड नहीं कर पाते हैं। अब ये दोनों ड्रग्स ओसल्टामिविर और जैनामिविर जो है काफ़ी इफेक्टिव होते हैं इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों के लिए। ये होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स में कोई इंटरफेयर नहीं करती होती है इसकी जो वैक्सीन है, मतलब वैक्सीन पर कोई बुरा असर नहीं डालेगी। ये प्रोफाइलैक्सिस के रूप में एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये वही वाला चार्ट जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ाई था, वही चार्ट दोबारा दिया हुआ है, दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप वापस से इसको देख लीजिएगा। अब ओसल्टामिविर और जैनामिविर जो है ओरली ओसल्टामिविर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जबकि जैनामिविर इंट्रानेजल एडमिनिस्टर की जाती है। इसमें ब्रोंकोस्पाज्म का डर रहता है, इंट्रानेजल दे रहे हैं तो हो सकता है ब्रोंकोस्पाज्म क्रॉस कर दे, तो इसकी अपन को सावधानी रखनी है। नेक्स्ट राइबावरिन गुएनोसिन का एनालॉग है, आरएनए पॉलीमरेज को रोक रहा है। स्पेक्ट्रम आरएनए डीएनए वायरस दोनों पर इफेक्टिव है, ससेप्टेबल है, जैसे इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा आरएसवी लाजा वायरस सबके लिए ये यूज़फुल है। राइबावरिन आरएसवी के लिए काम में लेते हैं, ये सभी बॉडी टिश्यू सीएनएस के अलावा सभी बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओरली आप इसको दे सकते हो, आईवी दे सकते हो और इन्हेलेशन के रूप में आप इसको दे सकते हो। इसके एडवर्स रिएक्शन के रूप में एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है पर्सन को, और प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन नहीं दी जाती। राइबावरिन का थेरापेटिक यूज़ क्या है? आरएसवी ब्रोंकियोलाइटिस किसी को हुआ हो आरएसवी की वजह से, या हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन में निमोनिया हो गया हो, तो ये ड्रग दी जाती है एरोजोल के रूप में। इसके अलावा लासा फीवर में भी हम ये ड्रग देते हैं। राइबावरिन एक अल्टरनेटिव ड्रग है इन्फ्लुएंजा की भी, पैरा इन्फ्लुएंजा की, मीजल्स वायरस इन्फेक्शन की, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जब ये हो जाते हैं तो हम ये राइबावरिन ड्रग देते हैं। अब हिपैटिक वायरल इन्फेक्शन में अपन इंटरफेरॉन्स देते हैं, जैसे कि लैमिविडिन, एंटीकाविर, राइबावरिन। लैमिविडिन साइटोसोन एनालॉग है HBV के लिए, एंटीकाविर गुएनोसिन एनालॉग है ये भी HBV के लिए। लैमिविडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन के लिए दे सकते हैं, राइबावरिन हेपेटाइटिस सी के लिए दे सकते हैं, ये इंटरफेरॉन के साथ दिया जाता है। अब ये इंटरफेरॉन्स एक्चुअली होते क्या हैं, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने माइक्रोबायोलॉजी में इनको पढ़ा है। ये नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम की सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं किसी फॉरेन वायरस के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, कि भाई किसी फॉरेन एजेंट का, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या ट्यूमर सेल्स का कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई चैलेंज हुआ, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है वो कुछ नेचुरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है, उनका प्रोडक्शन करती है, उनको अपन इंटरफेरॉन्स कहते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी ही इनको बनाती है। ये एंटी वायरल होते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स और एंटी प्रोलिफेरेटिव एक्शन दिखाते हैं, मतलब सेल को मल्टीप्लाई नहीं करने देते। 3 क्लासेस के इंटरफेरॉन्स पाए जाते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में सभी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि गामा इंटरफेरॉन्स केवल टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा ही साइटोकाइन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। साइटोकाइन इम्यून रेगुलेटिंग इफेक्ट दिखाती हैं। गामा लेस एंटीवायरल एक्टिविटी रखता है बीटा इंटरफेरॉन्स के कंपैरिजन में।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इंटरफेरॉन्स का? ये कुछ एंजाइम्स का इंडक्शन करते हैं, जैसे प्रोटीन काइनेज, ऑलिगोएडिनाइलेट सिंथेज और फॉस्फोडाइस्ट्रेज का। प्रोटीन काइनेज प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, नाम से पता चल रहा है। ऑलिगोएडिनाइलेट सिंथेज वायरल मैसेंजर आरएनए का डिग्रेडेशन कर देता है, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टीआरएनए को इनहिबिट करता है। इन एंजाइम्स का जो एक्शन है, इसी की वजह से वायरस का ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो ट्रांसलेशन नहीं हो तो प्रोटीन कवर ही नहीं बनेगा, तो वायरस बेचारा पूरी तरह से बन ही नहीं पाएगा। अब अल्फा इंटरफेरॉन का स्पेक्ट्रम देखिए, एचबीवी, एचसीवी, एचपीवी सभी वायरस के अगेंस्ट ले सकते हैं। ये एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन दिखाता है वायरस की ग्रोथ को, और कुछ कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी रोकता है, जैसे कि कैपोसी सार्कोमा और हेयरी सेल ल्यूकीमिया। ये कैंसर्स हैं दोनों, इनमें भी ये ड्रग इफेक्टिव होती है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है भाई इंटरफेरॉन्स की? ओरली इसकी बायो अवेलेबिलिटी 1% से भी कम है, इसलिए इसको अपन इंट्रालेजनली, कहीं लेजन हुए सीधा उसके अंदर डालो, या सब क्यूटेनियसली दो या आईवी दो, तो इस पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, सीएनएस के और आई के अलावा। हाफ लाइफ इसकी 1 से 4 घंटे होती है। एडवर्स इफेक्ट में ये एक्यूट फ्लू लाइक सिंड्रोम देता है, जैसे बुखार होना, सर दर्द होना वगैरह। बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, जिससे कि ग्रेन्यूलोसाइट का नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम के लिए भी टॉक्सिक होता है, जिससे पर्सन में कन्फ्यूज़न रहने लगता है, दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हार्ट पर भी टॉक्सिटी शो करता है, जिससे कि कार्डिक एरिदमिया हो जाता है और फर्टिलिटी भी इम्पेयर्ड हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है यंग पर्सन्स को इसका ज़्यादा यूज़ करने से रोकना है। इंटरफेरॉन्स का थेरापेटिक यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, एचजेडवी इन्फेक्शन के लिए, सीएमवी के लिए, कॉन्डाइलो मेटा लेटा एक्यूमेनाटा के लिए लिया जाता है, हेयरी सेल ल्यूकीमिया में, और एड्स जैसे कि कैपोसी सार्कोमा वगैरह में। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी तो 30% केस में पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। एचजेडवी का इन्फेक्शन अगर कैंसर पेशेंट में हुआ है तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में काम आती हैं ड्रग्स। सीएमवी का इन्फेक्शन अगर रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हुआ तो ये काफ़ी काम आती है। कॉन्डाइलो मेटा लेटा एक्यूमिनेटा अगर किसी को हुआ, ये घाव हो जाते हैं एक्चुअली, ये घाव हैं स्किन के ऊपर, तो उसमें आपको सीधा घाव के अंदर ही ये ड्रग इंजेक्ट करनी होती है इंट्रालेजन, तो कंप्लीट 50% तक ये उसको कंप्लीट क्लियर कर देता है घाव को। हेयरी सेल ल्यूकीमिया हुआ तो जाइड्यूव्यूडिन के साथ में आप इसको दे सकते हैं, और कैपोसी सार्कोमा में एड्स से जुड़े कैपोसी सार्कोमा भी ये काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट ड्रग है हार्ट, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। भाई नॉर्मल तो अपन कर ली, जो नॉन रिट्रोवायरल थेरेपी थी वो अपनी हो गई, अब रिट्रोवायरल थेरेपी अपन देख लेते हैं। इसमें कम से कम 3 मेडिकेशंस आती हैं, जिसको अपन कॉकटेल कहते हैं। ये मेडिकेशंस अलग अलग तरीके से वर्क करती है वायरल लोड को कम करने में हमारे शरीर के अंदर। ये मेडिसन्स हैं आरटीआई, अपन इसको पढ़ रहे हैं। आरटीआई में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ब्लॉक कर देती हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को, जिससे कि नया वायरल डीएनए प्रोड्यूस नहीं हो पाता। आरटीआई के अंदर न्यूक्लियोसाइड आरटीआई, नॉन न्यूक्लियोसाइड आरटीआई और न्यूक्लियोटाइड आरटीआई आती हैं, एनआरटीआईज, एनएनआरटीआईज, एनटीआरटीआईज। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं भाई? एबाकाविर जिसको जियाजन, डाइडेनोसिन वाइडेक्स कहलाते हैं, स्टेव्यूडिन जैरिट, डेलाविरिडिन, रिस्क्रिप्टा, लेमिव्योडिन एपिविर और टीनोफोविर वायरिड कहला रही हैं ड्रग्स। ये 6 ड्रग्स इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोटीएज इनहिबिटर, अभी तो उसने न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स उसमें अपन ने पढ़ी थी पिछले वाली स्लाइड में। अब प्रोटीएज एड्स में पाया जाता है ना ये एचआईवी के अंदर एंजाइम, उसको इनहिबिट करने वाले पीआईज, ये प्रोटीएज रिट्रोवायरल एंजाइम को इनहिबिट करती हैं ड्रग्स, जिससे ये वायरल का रेप्लिकेशन रुक जाता है। इसमें अपन एम्प्रेनावेर, इडिनावेर, नेलफिनावेर, राइटोनावेर और सेक्विनावेर ड्रग्स आती हैं। तो ये देखिए, ये इमेच्योर वायरल पार्टिकल दिखाया गया है, इसके अंदर ये प्रोटीएज एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग बताई गई हैं, तो वायरल का इन्फेक्शन हो नहीं पाएगा। ये प्रोटीएज एंजाइम है लाल लाल से मुँह खोले हुए जो बैठे हैं, और ये वायरल का डीएनए जिगजैग शेप में, और ये
प्रोटीन, मल्टी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट फ्यूज़न इनिबिटर्स, इसमें क्या है कि वाल का फ्यूज़न नहीं हो पाता है, तो फ्यूज़न नहीं मतलब वो जो जेनेटिक मटेरियल है और जो प्रोटीन कवरिंग है वो आपस में आकर के असेंबली नहीं होगी उसके, तो वाल का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ये आजकल नई ड्रग है, ड्रग की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की नई क्लास है जिसमें एनफ्यूवर्टेड फ्यूज़ियन अपन पढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस आर कॉमन, आजकल जो अपन कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट भी जो है हर एक ड्रग के वो वेरी कर रहे होते हैं, वो सीवियर भी हो सकते हैं, तो हमें को डोज लिमिटिंग टॉक्सिटीज़ को पहले मॉनिटर करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिस्टिक के कोई साइन तो नहीं हो रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ के, वो भी हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्या होते हैं भाई, कि अगर ये दवाई देते समय कोई इम्यूनिटी वीक हो रही है और उस वजह से किसी दूसरे इन्फेक्शन को मौका मिल गया होने का, और पर्सन की मौत उस इन्फेक्शन से ना हो जाए, उस डिजीज़ से जो अपॉर्चुनिस्टिकली उसको हुई थी, ऐसा ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब एडवर्स इफेक्ट देखो भाई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बहुत सारे हैं और हर एक ड्रग के अलग अलग हैं, वेरी कर रहे हैं। ड्रग थेरेपी की ज़रूरत होती है हमारे को मॉडिफिकेशन के लिए, एडवर्स इफेक्ट को मॉडिफिकेशन के लिए कुछ ड्रग थेरेपी भी हमें साथ में देनी पड़ेगी इन ड्रग्स के साथ। इसका गोल है कि हम पहले रेजिमेन को फाइंड करें कि सबसे बेस्ट हम कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और टॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल के साथ में हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं। तो मेडिकेशन रेजिमेंस चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलनेस, तो हम ये चेंज भी करते रहेंगे, भाई इस समय इतनी बीमारी थी अब थोड़ी कम हो गई तो हम चेंज कर दें, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये आपका एंटी वायरल टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बस अब हमारे पास दो टॉपिक्स और हैं, एंटी मलेरियल बाकी है और एंटी कैंसर बाकी है। इसके साथ हमारी कीमोथेरेपी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं पर वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, क्योंकि नहीं पूछे जा रहे तो हम क्यों उस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करें। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका बड़ा है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि ज़्यादा हम इसको टाइम दे सकें, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, अगर आपके डाउट्स हों तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके वो टॉपिक्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।